नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 3 का विषय संस्कृत का 11वां लेसन करवाने जा रही हूँ। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे श्यामपट की ओर। एषा उत्पीठिका, उत्पीठिका का मतलब होता है मेज। एषा उत्पीठिका यानी क्या, यह क्या है? मेज है, यह मेज है। उत्पीठिकाया ऊपरी घटी अस्ति, घटी का क्या मतलब होता है? घड़ी। उत्पीठिकाया यानी मेज के ऊपरी, मैंने ऊपर, मेज के ऊपर क्या है? घड़ी है। मेज के ऊपर क्या है? घड़ी है। मेज के ऊपर ऊपर घड़ी है, घड़ी है। आगे है एश आसंद है, एश मैंने यह है, यह क्या है? ऐसा आसंद है कुर्सी, यह क्या है? कुर्सी है। आसंदस्य अधे, आसंद यानी कुर्सी के नीचे, अधे के नीचे क्या, अधे क्या मतलब नीचे, विडाल अस्ति क्या है? बिल्ली है। कुर्सी के नीचे क्या है? बिल्ली है। कुर्सी के नीचे, नीचे क्या है? बिल्ली है, बिल्ली, बिल्ली है। इसके पश्चात एषा कपाटिकाया, यह क्या है? अलमारी है, यह क्या है? अलमारी है। कपाटिकाया वामते वातायनम अस्ति, वातायनम का मतलब होता है खिड़की, यानी अलमारी के बाएं भाग में क्या है? खिड़की है। अलमारी के बाएं भाग में क्या है? बाएं में या बाएं भाग में अलमारी है। कपाटी का यानी अलमारी है। इसके पश्चात एशिया बालक है, यह बालक है, यह बालक है। बालकस्य दक्षिणतः कार्यानम अस्ति, बालक के दक्षिण भाग में क्या है? कार है। बालक के, बालक के दक्षिण भाग में क्या है? कार है। दक्षिण भाग में क्या है? कार है। कार है। इसके पश्चात श्याम फलकम, यह क्या है? श्याम पट है, यह क्या है? श्याम पट है। श्याम फलकस्य पूर्णते, श्याम फलकस्य, फलकस्य पूर्णते, श्याम फलकस्य पूर्णते आचार्य अस्ति, आचार्य, आचार्य अस्ति। यानी श्याम पट के सामने, श्याम पट के सामने सामने
अध्यापक है या आचार्य है? मूर्ति का मतलब सामने। इसके पश्चात एतत् लोकयानम्, एतत् लोकयानम्, लोकयानम्, एतत् लोकयानम्, वह यह क्या है? बस है। यह बस है। लोकयान से पृष्ठ है। लोक यान से पृष्ठ है, यानी पीछे। पृष्ठ है, पृष्ठ है, पृष्ठ है। द्विचक्रिका, द्विचक्रिका, द्विचक्रिका अस्ति। अर्थात लोक यानी बस के पीछे। बस के पीछे क्या है? साइकिल है। बस के पीछे क्या है? साइकिल है, साइकिल है, साइकिल है। ठीक है बच्चों, जय भारत।